स्टूडेंट्स, आज का जो नेक्स्ट लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं वहीं से ही जो हमने लास्ट लेक्चर छोड़ा था अपना, कि थीरीज ऑफ पनिशमेंट्स कौन कौन सी हैं और उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। वन बाय वन जो है वो आपको बताती हूँ कि थीरीज ऑफ पनिशमेंट कौन कौन सी हैं। सबसे पहले है रेट्रीब्यूटिव। रेट्रीब्यूटिव जो होता है ये रिवेंज से निकला है, जिसका मतलब है बदला लेना, किसी से बदला लेना। इसका मतलब जो है हम टू पनिश में भी लेते हैं, और पुराने वक्तों में प्रिमिटिव टाइम, आपके जो एनिशियंट टाइम में जो माना जाता है वो पिनलाइज करने के लिए जो एक तरीका अपनाया गया था। पहले तो जब आप इसकी स्टेजेस देखते हैं ना अपनी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की, तो या आप लॉ की, तो आपको ये थ्री स्टेजेस मिलती हैं। पहली जो आपकी स्टेज है वो ये है कि जिसमें आप ये कहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी माइट इज राइट वाला कंसेप्ट था। जो बंदा अमीर है या जो बंदा थोड़ी ताकत रखता है वो ही बंदा जो चाहे दूसरे बंदे के साथ बिहेव करे। लाइक आप अगर अमीर आदमी हैं या आपका उस जगह पर कोई डाक है या वहाँ पर बड़े माने जाते हैं, तो किसी ने आपको अगर बुरी नज़र से देख लिया या आपको थप्पड़ मार दिया या आपको गुस्से से देख लिया, तो क्या है कि आप उसका बदला लेने के लिए सिर्फ जो है इतनी सी बात पे कत्ल भी कर दिया करते थे, क्योंकि माइट इज़ राइट। उसके बाद जो है दोहरा या दूसरी स्टेज, जिसको आप ये कहते हैं रेट्रीब्यूटिव, रिवेंज टू पनिश, या सबसे बड़ी बात किसास, जिसका मतलब था अगले का बदला। जिसका हम जो रूटीन वाइज लेते हैं वो ये है कि जो किसी ने आपके साथ किया आप वही उसके साथ करें। इसकी एग्जांपल जो है वो आप आई टू आई, ईयर टू ईयर, टूथ टू टूथ भी लेते हैं, डेथ टू डेथ भी लेते हैं, नोज़ टू नोज़ भी लेते हैं, हैंड टू हैंड भी लेते हैं, आर्म टू आर्म भी लेते हैं। तो ये क्या है, एक किसास की जो कंसेप्ट है जो दिया जा रहा है यहाँ पे, ये इस्लामिक कंसेप्ट भी है पनिशमेंट का। इसमें प्लेटो जो है ये बहुत ज़्यादा सपोर्टर था किसास का, ये रेट्रीब्यूटिव का। उसने कहा कि ये बहुत ठीक बात है कि जो आपके साथ जैसा करें आप भी उसके साथ वैसे ही करें। आप अक्सर अपने घरों में ये बात सुनते हैं कि अक्सर लोग कहते हैं कि हम भी उसके साथ वैसा ही करेंगे, या जो हमारे साथ जिस तरह चलेगा हम उसके साथ वैसे ही चलेंगे, जो हमारे साथ जिस तरह से मिलेगा हम उसके साथ वैसे ही मिलेंगे। तो ये बातें जो है वो यही है, एक मीन मतलब लाइक रिवेंज है, बदला है कि आपने अपनी लाइफ को किस तरह से दूसरे के साथ लेके चलना है। लेकिन इसको जो है क्रिटिसाइज भी किया गया, लोगों ने कहा कि बदले का मतलब ये नहीं है कि आप उस बदले में अगले बंदे की जान ही चली जाए। लाइक दिस, अगर आप बाय चांस मेरे साथ लड़ रहे हैं, लड़ते लड़ते अगर मेरा हाथ राइट हैंड जो है वो कट गया, अब अगर मुझे कहा जाए कि आप इनसे बदला लें, तो मैं अगर जानबूझ के देखते हुए आपको बताते हुए आपके राइट हैंड को काटने की कोशिश करूंगी, उसी जगह से उसी वेन से उसी कट से वैसे ही कट लगाने की, तो आप हो सकता है कट लगने से पहले ही आप हार्ट अटैक से वफात पा जाएं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मेरे साथ कितना जो है वो मसला होने वाला है या मुझे कितनी तकलीफ या पेन मिलने वाली है, तो आप उससे पहले ही जो भी है वो डेथ हो सकती है या आपका बीपी शूट कर सकता है, ब्रेन का कोई मसला हो सकता है। तो इसलिए ये कहा गया कि ये ठीक है, लेकिन बाय चांस अगर दूसरे का भी हाथ कट जाए तो फिर ठीक है, लेकिन जब आप बदले के तौर पर ऐसा करेंगे तो ये गलत चीज़ मानी जाएगी कि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। दूसरी बात, आपकी जो थीरी है वो है रिफॉर्मेटिव, जिसको आप कहते हैं रिफॉर्म से निकला है, इस्लाह करना, किसी की तसही करना, किसी को दुरुस्त करना, किसी को अच्छा बनाना। कहा यह जाता है कि ये क्यों किया गया, इसकी बेसिक जो मैक्सिम था जिसकी बुनियाद रखी गई वो ये था, नोट सीज टू बी अ ह्यूमन बीइंग एबल टू स्टार्ट न्यू लाइफ, के मतलब इंसान को ख़त्म करना हमारा मकसद नहीं है, कि अगर आपने कुछ गलत किया है तो हम इसके बदले में आपको ख़त्म ही कर दें, आपकी ज़िंदगी तबाह कर दें, आपकी लाइफ को एंड की तरफ ले जाएं, ऐसा नहीं है। बल्कि आपके साथ ऐसा कुछ किया जाए कि आपको पनिश भी किया जाए, आप अपनी फैमिली से दूर भी रहें, यारों दोस्तों से दूर भी रहें, कैद में भी रहें, लेकिन आपको एबिलिटी दी जाए, इस काबिल बनाया जाए कि जब आप इस जगह से बाहर आएँ तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म ना हो। लाइक आपकी 15 साल की सज़ा है, आप 20 साल की उम्र में चले गए, अभी आप पढ़ रहे थे आप चले गए, आपने कोई हुनर नहीं सीखा, जब 15 साल बाद आप आते हैं तो 35 साल की उम्र में अब आपने क्या हुनर सीखना है।
पॉसिबल ही नहीं है। तो आपकी लाइफ क्या है, एंड है ना, आप पढ़ सके, ना आप जॉब कर सके, ना कोई हुनर सीख सके, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा बल्कि इस काबिल बनाया जाए उसे जेल में रखते हुए कि जब वो जिंदगी की तरफ लौटे या वो बाहर अपने दोस्तों के पास या अपनी फैमिली के पास आए तो अपनी जिंदगी को दोबारा से एबल टू स्टार्ट न्यू लाइफ, अपनी जिंदगी को नए तरीके से शुरू कर सके। इसमें कहा गया पनिशमेंट मीन्स नॉट रिवेंज बट टू रिफॉर्म द ऑफेंडर, कि सजा का मतलब ये नहीं है उससे बदला लेना बल्कि उसकी इसलाह करना है कि आइंदा आने वाले वक्तों में वो रिपीटेशन ना करे, वो बार बार जुर्म ना करे, बल्कि उसको सजा तो मिले लेकिन साथ साथ उसको जो है इसलाह भी की जाए कि जो काम तुमने पहले किया था वो अच्छा नहीं था, वो गलत काम था और आइंदा आने वाले वक्तों में ऐसा मत करना। फिर है डेटन थ्योरी। डेटन थ्योरी का मतलब है डराना। डेटन का मतलब है डराना किसी अगले बंदे को फॉर रिपीटेशन, कि बार बार वो ये काम ना करे। इसमें आता है पेनल्टी कीप्स अ पर्सन अंडर कंट्रोल। ये जो थ्योरी दी गई तो उसमें ये बात की गई कि पेनल्टी हमेशा बंदे को कंट्रोल रखती है। मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में ये एग्जांपल दी थी जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था जब पनिशमेंट के बारे में। पाकिस्तान में जब आप कोई गलत काम करते हैं तो फौरी आप अपना सोर्स ढूंढते हैं, ना कि आप माफी मांगते हैं, ना कि आप फाइन पे करते हैं, बल्कि फौरी तौर पर आप क्या करते हैं, अपना सोर्स ढूंढते हैं कि किसी तरह से मुझे इस चीज से निजात मिल जाए। लेकिन वही बंदा जब आउट ऑफ कंट्री चला जाता है तो फिर वो हर कदम जो है वो सोच समझ के रखता है। क्यों? क्योंकि उसको पता होता है कि अगर मैंने ऐसा काम किया तो पॉसिबल है कि मेरे साथ बुरा होगा, या पॉसिबल है कि मुझे फाइन पे करना पड़ेगा, मेरी इतनी पे नहीं है जितने मेरे फाइन हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, उसे पता है कि मैं एक फोन करवाऊंगा, एक कॉल होगी, बात खत्म हो जाएगी। इसलिए वो कहते हैं कि पेनल्टी, ये मेरे ख्याल में हमारे मुल्क के लिए नहीं है कि पेनल्टी जो है वो इंसान को कंट्रोल में रखती है, बल्कि ये उन लोगों के लिए कि जिनके लिए आप मानते हैं कि जब उन्हें पता हो कि अब हमें सजा मिलेगी तो वो फिर आइंदा आने वाले वक्तों में अपने आप को लिमिटाइज कर लेते हैं। वैसे पनिशमेंट का मतलब भी यही होता है, लिमिटाइज करना, हद में रखना। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि पेनल्टी जो है वो आप लोगों को कंट्रोल करती है कि आइंदा आपने गलत काम नहीं करना। आगे आती है आपकी प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव का मतलब होता है रोक देना, प्रिवेंट करना, किसी को मना करना। इसका मतलब जो है इसमें आप कह सकते हैं डिसेबल फ्रॉम रिपीटेशन। इसमें आप उस बंदे को इस काबिल ही नहीं रहने देते कि वो दोबारा ये काम करे। लाइक दिस फिजिकल पावर आपकी जो है वो आप उसकी ले लेते हैं। इसमें जो एग्जांपल हमारे मुल्क में ज्यादा चलती है वो ये, आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपसे ले लिया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने नेग्लिजेंस की, एक्सीडेंट हो गया, तो उस बंदे से उसका लाइसेंस ले लिया जाता है ताकि दोबारा वो सड़क पे ना आए, ड्राइव ना करे और उसकी वजह से किसी दूसरे को नुकसान ना हो। लेकिन आपके मुल्क में ऐसा है कि ड्राइविंग लाइसेंस ना भी हो तो आप गाड़ी चला लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है हम बात कर रहे हैं ओवरऑल पूरी दुनिया के लिहाज से, लॉ की जो ये थीरीज हैं वो सारे दुनिया की है, खाली पाकिस्तान की नहीं। इसलिए ये है कि उसकी फिजिकल पावर से उसे जो है महरूम कर दिया जाता है, उसको डिसेबल कर दिया जाता है कि वो रिपीट ना करे, उससे उसका ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह ले लिया जाता है। लेकिन इसको क्रिटिसाइज करते हुए थिंकर्स ने ये कहा कि अगर एक बंदे को आप जेल में डाल देते हैं और उसे हार्डन जो है वो पनिश करते हैं, यानी उससे आपने उसकी रोजी रोटी ही छीन ली, अगर एक बंदा ड्राइवर था, आपने उसे आने वाले वक्तों में माफ़ी का मौका नहीं दिया, तो वो बंदा जब दोबारा जेल में रहा तो उसने वहाँ से निकलते वक्त और दो चार छः लोगों के साथ जब वो बैठा, ये बात कही जाती है कि जब आप जेल में जाते हैं अगर चोरी करके, तो चोरी करने वाले के साथ उधर कई और तरह के भी होते हैं जो जुआ खेलने में पकड़े गए, जना में या रॉबरी में या डकैती में या डेथ में। तो वो बंदा जब बाहर निकलता है तो बहुत ज़्यादा से जुर्म सीख के निकलता है। तो इसमें भी जो है उसने कहा बल्कि आपको चाहिए कि उसे जो है वो इस तरह की सजा दें, ना कि वो दोबारा और ज़्यादा जो है वो जुर्म सीख के आए। अगली है आपकी कंपनसेटरी। कंपनसेटरी निकला है कंपनसेशन से। कंपनसेशन का मतलब है कम्फर्ट, अगले बंदे को सुकून देना, तसल्ली देना, उसको जो है आराम देना, उसकी दादरसी करना, उसको आराम से, जिसको आप कह सकते हैं कि भी अगर उसको कोई परेशानी है तो वो उसको परेशानी को जो है वो ख़त्म करना।
इसका मतलब जो है वो मनी की सूरत में आता है, हमेशा के इन दी मनी, फॉर्म ऑफ मनी, जिसको आप कंपनसेटरी में अगर लें तो आप दियत में भी ला सकते हैं। अगर आप इसके अलावा अगर आप लें तो इसको आप इस मीनिंग में भी ला सकते हैं कंपनसेटरी को, टॉट में जैसे आप रेमेडी का लफ्ज लेते हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे इसको क्रिटिसाइज करने की, तो बहुत से लोगों ने ये कहा कि अगर ये चीज़ गलत है, मतलब मनी फर्ज करें अगर पनिशमेंट है, तो अमीर लोगों के लिए तो ये कोई सजा ना हुई, कि अमीर लोग इसको सजा नहीं मानते। लाइक दिस, एक बंदा है, उसने एक कत्ल कर लिया, वो गरीब आदमी है, उसे आप जब कहेंगे 50 लाख दियत दे तो उसको तो पता चलेगा उसकी सारी जायदाद बिक गई। लेकिन अगर एक अमीर आदमी है, प्रेसिडेंट का बेटा है, पीएम का बेटा है, या बहुत अमीर है, तो वो अगर 20 लाख 30 लाख 40 दे भी देगा तो समंदर में से एक कतरे के बराबर, तो उसके लिए ये पनिशमेंट नहीं है। कि अगर उसको आप कहें कि ये पनिशमेंट है, इसको आप पनिशमेंट नहीं कह सकते। इसके बाद है एक्सपिएटिव, इसका मतलब रेट्रीब्यूशन वाला ही है, पूरा जो आपने किया। फिर आता है आपका डिनंसिएटरी, इसका मतलब होता है मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी इखलाकियात के लिहाज से आप उसको मार मारते हैं कि आइंदा आने वाले वक्तों में वो गलत काम ना करे। ये जो आपका टॉपिक था, ये सारा आपका थ्योरी से रिलेटेड था। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप इतना ज़्यादा डिटेल में 20 नंबर का क्वेश्चन नहीं लिख सकते, इसलिए आपके लिए बेहतर है कि आप पनिशमेंट के मीनिंग, डेफिनेशन, उसके ऑब्जेक्ट, उसके बाद इनको उसी तरह लिखिएगा जो लास्ट लेक्चर में मैंने लिखा, इन दी पॉइंट्स में लिखें। इसके बाद ज़रूरी नहीं है आप 7 या 8 को एक्सप्लेन करें, आप 4 से 5 को, 5 या कह दें आप, 5 से कम नहीं, 5 कम से कम आप इसको एक्सप्लेन करें, इनकी क्रिटिसाइज करें, इनमें एक एक एग्जाम्पल दें। बाकी 2 को या 3 को आप ना भी अगर एक्सप्लेन करेंगे तो चलेगा, आपका 20 नंबर का क्वेश्चन जो है वो पूरा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू शीट्स।